नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल अलग और खास तरीके की रेसिपी। ये रेसिपी आज से पहले आपने नहीं देखी होगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जब आपके घर मेहमान आ जाएं या आपका कुछ खास और टेस्टी खाने का मन करें, तब आप ये रेसिपी बनाकर खा सकते हैं। ये रेसिपी घर के हर सदस्य को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए इस नई रेसिपी को, जिसे आप चपाती, परांठे और चावलों के साथ खा सकते हैं, उसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने ले लिया एक कटोरी बेसन, इसको हमने छान लिया है। ग्राम के हिसाब से ये 150 ग्राम है। अब हमने क्या करना है, इसके साथ ही मैंने ले लिया है अरबी। ये लिया हमने आधा किलो अरबी, इसको हमने दो विसल में उबाल लिया है। ये बड़े साइज की अरबी थी, इसलिए मैंने दो विसल लगाए हैं। अगर छोटी साइज की अरबी हो तो एक विसल में गल जाती है वो। ये हमने छिलके समेत ही उबाली है, इसको हमने छील कर तैयार कर लिया है। अब ये ठंडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, एक बाउल ले लेना है, उसे इस अरबी को मैश कर लेंगे। उसमें चाहे आप मैशर से करें चाहे हाथों से करें, अच्छे से मैश कर लें। अरबी को हमने अच्छे से मैश कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी गुठली ना हो, इस ढंग से मैश करें। अब इसमें डाल देंगे हम 4 बड़े चम्मच बेसन। बेसन डालने के बाद इसमें मैं कुछ मसाले डालूंगी। 2 पिंच डालेंगे हींग, जो बहुत अच्छा डाइजेशन का काम करती है। 1/4 टीस्पून मैंने ली है अजवाइन, इसको मैं हाथों से क्रश करके डालूंगी, ये और भी टेस्टी लगेगी। अरबी में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और डाल देंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। 1/4 टीस्पून ही डाल रही हूं मैं हल्दी पाउडर। 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून ही डाल रही हूं मैं गरम मसाला। इसके जगह आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं 1/4 टीस्पून ही डाल रही हूं। इन सब चीजों को चाहे हाथों से चाहे चम्मच से मिक्स कर लें। हमने अच्छे से सबको मिक्स कर लिया है, ये एक डो के रूप में तैयार हो जाता है। अब हमने क्या करना है, हाथों पर ऑयल लगा लेना है और थोड़ा सा मिश्रण तोड़ेंगे इसमें से। मैं इसे गोल गोल बॉल की तरह बना रही हूँ, आप कोई भी शेप में बना सकते हैं। मैं इसे छोटी छोटी बॉल बनाऊंगी इस ढंग से। ऐसे ही सबको बनाकर आप तैयार कर लें। हमने सभी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं मैंने छोटी छोटी बॉल्स ही बनाई है। इतनी डो में इतनी सारी बॉल्स बनकर तैयार हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी बचा हुआ बेसन है उसको डाल देंगे एक बड़े बाउल में, और इसमें भी थोड़े थोड़े से मसाले डालेंगे कि बेसन फीका ना लगे। थोड़ी सी डाल रही हूं मैं लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी इसमें डालेंगे हल्दी 2 पिंच के करीब, और थोड़ा सा ही डाल रही हूं मैं नमक, और इन्हें मिक्स कर दें। ये मिक्स हो गया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमने एक गाढ़ा बैटर तैयार करना है, ज्यादा पतला नहीं करना, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लें इस ढंग से। अब मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ, ये गाढ़ा है, इसी ढंग से बनाएं। इसे बनाने में हमारे 4 से 5 टेबलस्पून पानी लगा है। एक कढ़ाई में हमने ऑयल गरम कर लिया है, अब गैस को कर देंगे मीडियम। अब जो हमने बॉल्स बनाई हुई है उसको इस बैटर में डिप करेंगे इस ढंग से, चम्मच से। आप हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन चम्मच से बहुत ही सुंदर लगेंगी देखने में और इकसार होंगी। ऐसे ही हमने डालनी है, जो आराम से जितनी कढ़ाई में आ जाए, और गैस को हमने मीडियम रखना है। हमने बॉल्स को डाल दिया है, अभी कुछ सेकंड तक हम इसे छेड़ेंगे नहीं। कुछ सेकंड के बाद इसको हम अलटते पलटते हुए अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना है हमने इस ढंग से। ये हो गई हैं। अब इसको एक साइड पे ले जाकर छन्नी में ऑयल झाड़कर इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे करने में हमारे 3 से 4 मिनट लगे हैं। ऐसे ही बाकी बॉल्स को भी तैयार कर लेंगे। हमने वही वाली कढ़ाई ली है,
इसका सारा ऑयल हमने निकाल दिया है, हमने पकौड़ियाँ भी सारी बना ली है। अब हम गैस ऑन करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और उसे गरम कर लेंगे। ये गरम हो गया, अब इसमें डाल देंगे 4 लौंग, एक छोटा टुकड़ा डालेंगे दालचीनी का, 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा, इसे पहले थोड़ा सा चला देते हैं। मैंने ली थी 4 कलियां लहसुन की, उसको बारीक काट लिया था, वो डाल रही हूँ। इसे भी थोड़ा चला देंगे, इसका कच्चापन दूर हो जाए। मैंने लिए थे 2 प्याज, उसको चॉपर में चॉप कर लिया था, वो डाल रही हूँ। आप मिक्सी में पीस कर भी डाल सकते हैं और तेज गैस पर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें चलाते हुए। प्याज हमारी हो गई है, अब गैस को स्लो कर देंगे। अब इसमें नमक डालेंगे, नमक ध्यान से डालें, हमने बैटर में भी नमक डाला है, पकौड़ी में भी नमक डाला है। मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, जो बहुत अच्छा कलर देगी। 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर। 1/2 टीस्पून ही डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर। अच्छे से मसालों को मिक्स कर लें। अब इसमें डाल देंगे टमाटर, मैंने 4 टमाटरों की प्यूरी बना ली थी मिक्सी में, वो डाल रही हूँ। और लिया था 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे कद्दूकस कर लिया था, वो डाल रही हूँ। टमाटर को हमने पका लेना है तेज गैस पर, ऑयल सेपरेट होने तक चलाते हुए ही। टमाटर अच्छे से पक गए हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ कसूरी मेथी, ये पिसी हुई कसूरी मेथी है। अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, पहले मैं 1 गिलास पानी डालूंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी। 1/2 गिलास पानी मैं और डाल रही हूँ। ग्रेवी कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तेज गैस पर इसको एक उबाला आने देंगे। ये उबाला आ गया, अब कम गैस कर इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए, अच्छे से पक जाए ग्रेवी। ये 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ग्रेवी अच्छे से पक गई है, अब इसमें जो हमने बॉल्स बना के रखी हैं, वो डाल देंगे। थोड़ा सा इसे चला देंगे, अच्छे से मिक्स कर दें। अब गैस को कर देंगे स्लो और इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए। ये 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप इस ढंग से सब्जी बनाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी और सबको बहुत ही पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।